हेलो दोस्तों, आज की जानकारी है विजय विलास पैलेस, जो कि मांडवी कच्छ में मौजूद है, जो समंदर तट से बहुत ही नज़दीक है। तो आइए चलते हैं। तो अभी पहुँचाए, यहाँ पे आने के लिए गेट पे पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है, जो टू व्हीलर का कुछ 10 रुपया है और फोर व्हीलर का 20 से 40 रुपया है। और अंदर जाने का चार्ज है 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए 30 रुपया और 11 से ऊपर के लिए 70 रुपया है। और स्टील कैमरा का 100 रुपीस है और वीडियो कैमरे का 200 रुपीस। और ये प्राइवेट महल है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और आम आदमी का सबका सेम चार्जेस है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई अलग ऑफर नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो अभी रास्ते से अंदर जाते हैं, थोड़ा चलने के बाद ही महल आ जाता है और आसपास में घना जंगल जैसा बगीचा है और महल का निर्माण महाराव श्री तृतीय के शासनकाल के दौरान किया गया था, जो उनके बेटे और राज्य के उत्तराधिकारी युवराज श्री विजयराजी के उपयोग के लिए एक ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में बनाया गया था और इसलिए उनके नाम पर विजय विलास पैलेस रखा गया है। महल का निर्माण वर्ष 1920 से शुरू हुआ था और वर्ष 1929 में पूरा हुआ। महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, इसमें राजपूत वास्तुकला के सभी तत्व है। और अंदर यहाँ पे राजाओं के फोटोस है और अंदर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को छूने की परमिशन नहीं है, बस देखने की और फोटो खींचने की परमिशन मिलती है आपको। और महल का काम जयपुर, राजस्थान, बंगाल और सौराष्ट्र जैसे स्थानों के वास्तुकार और शिल्पकारों द्वारा किया गया है और स्थानीय कच्छी कारीगर समुदाय कच्छ और सुथार के मिस्त्री भारत के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तुकला
और शैली का मिश्रण, जैसे विजय विलास पैलेस के डिजाइन और वास्तुकार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहाँ पे स्थित बालकनी के आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। छोटे जटिल खिड़कियाँ खुले में होने का एहसास देती है। और ये देखने के बाद पास से ही ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ जाती है। ऊपर चढ़ने का यहाँ से बस एक ही रास्ता है। पुरानी एक लिप भी बनी हुई थी जो अभी बंद पड़ी है। और ऊपर आने के बाद इतना मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। और महल के ऊपर से आपको आसपास में पूरा घने जंगल जैसा बगीचा देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं। और हाँ, यहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे जिससे कि आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े।
यहाँ पे हम दिल दे चुके सनम, लगान, कमांडो और इसके साथ साथ कई गुजराती मूवीज का भी सीन यहाँ पे शूटिंग किया गया है।
अब महल घूमने के बाद बगीचे का चक्कर लगाते हैं, तो देखते हैं बगीचा कैसा है। वैसे पूरा जंगल जैसा ही लग रहा है, फिर भी देख लेते एक बार। महल के दोनों साइड, आगे की साइड और पीछे की साइड, विजय विलास लिखा हुआ एक बोर्ड भी आपको मिल जाएगा देखने को।
फिर बगीचे में घूमते घूमते एक इमारत दिखी, जहाँ पे जाके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे एक कमरा है जो ऐसे ही आराम के लिए या किसी चौकीदारों के लिए बनाया गया होगा। और जगह जगह पे ऐसी मूर्ति देखने को मिल जाती है। ये जहाँ पे भी पानी का वाल्व होता है वहाँ पे ऐसी मूर्ति लाइन के बगल में मिल जाती है। महल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए पीछे की साइड में ऐसे पानी के फव्वारे के लिए जगह बनाई गई है जो पहले चालू थे, फिलहाल बंद है। कुछ सालों पहले मैं आया था तब यहाँ पे पानी भरा हुआ था। Thank you.
और थोड़ा आगे घूमने के बाद एक और इमारत मिल जाती है जिसको देख के लग रहा है कि पहले बाथरूम के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा, जहाँ पे पानी भर के स्नान वगैरह किया जा सके। और ये जो दिख रहा है आपको, वो पहले के ज़माने में कुएं से पानी निकाल के इसके द्वारा दूसरी जगह पहुँचाया जाता था, जो बगीचे में पानी देने के लिए बनाया गया होगा। थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसी कुंडी भी मिल जाती है जो एक तरफ से पानी आके दूसरी जगह पे छोड़ा जा सके। तो अब पूरा महल घूमने के बाद फिर गेट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और एक बार यहाँ पे सगाई और शादी के लिए फ़ोटो या वीडियो शूटिंग करवाने के लिए एक घंटे का 5,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है, जिसके लिए वो जगह खाली कर देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। और बाहर आने के बाद आपको नारियल पानी और शेरड़ी का रस मिल जाता है, जिसका चार्ज जो बाहर मार्केट का है वही लगता है। और हाँ, यहाँ से बीच बहुत ही नज़दीक है, तो गेट के बाहर से एक रास्ता है जो एक प्राइवेट बीच पे जाता है, जहाँ का चार्ज वो लोग 300 रुपया लेते हैं। तो अगर आप जाना चाहे तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये जो लास्ट वाले वीडियो से वो वहाँ का है। और वहाँ पे रहने के लिए भी स्टॉल वगैरह बनाए गए हैं, जिसका कुछ अलग चार्जेस होगा, बट मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया वहाँ से।